A table creation morning to viewers, this is Saurabh from Web Institute. In this whole video, we are delivering the lectures on about how to create your attractive tables using HTML language. So let's achieve in Hindi language. Guys, hum web design ke respect mein HTML language ke chapters ko contain kar rahe, jisme aaj hume HTML coding ka part 2nd dekhna hai. So guys, यह वीडियो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है. सो काइंडली इस वीडियो को अचीव करने से पहले आप इसके प्रीवियस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को कंटेन करें. क्लियर? सो इस वीडियो सीरीज में हमें अचीव करना है कि हम इस तरह के टेबल को किस तरह से बनाएंगे. ओके, सो टेबल बनाने के लिए रोज और कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने आपको सबसे पहले आना चाहिए कि इस टेबल में कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं. क्लियर? हॉरिजेंटली जो लाइंस हमें इंडिकेट हो रहे हैं उनको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हमें दिख रहे हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं. कभी भी कॉलम्स रो के अंदर होते हैं, और रो को डिफाइन करने के लिए हम HTML में TR टैग का उपयोग करते हैं. कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए HTML में हम TD टैग का उपयोग करते हैं. कभी भी TD TR की बॉडी के बाहर नहीं होगा. ओके, सो अब आप एक्सपेक्ट करें कि इसमें क्या है. इसमें 1, 2, 3 तीन रोज है. ओके, और हर एक रो में तीन तीन कॉलम्स है. ये पहला डब्बा वाला कॉलम, ये दूसरा डब्बा वाला कॉलम, ये तीसरा डब्बा वाला कॉलम. क्लियर? यानी कि जब हम कोडिंग करेंगे तो पहले TR में 3 TD, फिर दूसरे TR में 3 TD, और फिर तीसरे TR में 3 TD. क्लियर? अब आप इसको प्रैक्टिकली अचीव करें. तो सबसे पहले HTML के डिफॉल्ट स्ट्रक्चर को राइट कर ले. मैंने पहले से ही लिख के रखा है. ओके, तो टेबल की कोडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेस करना पड़ता है टेबल, यानी कि आपको बनानी पड़ती है टेबल की बॉडी. टेबल टैग को आप शुरू करें और टेबल को क्लोज कर ले. क्लियर? तो यहाँ पे हमने टेबल की बॉडी शुरू की और टेबल की बॉडी क्लोज कर ली. अब आप देखिए, हम बना रहे हैं इस तरह के टेबल को. तो ये टेबल विजिबल तब होगा जब मैं टेबल में विड्थ, हाइट और बॉर्डर एट्रीब्यूट का उपयोग करूँगा. अगर मैं टेबल में विड्थ, हाइट और बॉर्डर एट्रीब्यूट का उपयोग नहीं करूँगा तो इस टेबल की साइज क्या होगी ये हमारा ब्राउज़र भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. इसलिए ये टेबल परफेक्टली नज़र नहीं आएगा. तो बेसिकली आप क्या करोगे, सबसे पहले टेबल में विड्थ एट्रीब्यूट सेट करोगे. ओके, अब आप अपने टेबल की जितनी चौड़ाई चाहते हैं उसको डिफाइन करें. क्लियर? अब मैं हाइट एट्रीब्यूट की मदद से इस टेबल के हाइट को डिफाइन करूँगा, सपोज दैट 200. अब इस विड्थ और हाइट को विजिबल करने के लिए मैं यूज करूंगा बॉर्डर एट्रीब्यूट का, और इसमें जो वैल्यू पास करूंगा वो वैल्यू इस टेबल के बॉर्डर की मोटाई को आइडेंटिफाई करेगा. क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पास करूँ 2, तो इसका मतलब है इस टेबल के बॉर्डर की मोटाई 2 pixels होगी. मैं पास करूँ 5, तो इस बॉर्डर की मोटाई को वो 5 pixels में कन्वर्ट कर देगा. क्लियर? ओके, सो अब मैं कोडिंग करना शुरू करता हूँ. तो इतना करने से क्या हुआ, हमने टेबल की बॉडी शुरू की और टेबल की बॉडी को एंड कर लिया. विड्थ और हाइट और बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा के हमने टेबल को विजिबल कर लिया, यानी कि टेबल में जो TR और TD बनेंगे वो सारे हमें परफेक्टली नज़र आएंगे. क्लियर? अब आप शुरू करें. तो हमने आपको प्रीवियसली क्या बताया, टेबल बनाने के लिए आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इस टेबल में कितने रो और कॉलम्स है. तो बेसिकली इस टेबल में 1, 2, 3 यानी कि 3 रो हैं. तो आप बनाओगे सबसे पहले रो, क्योंकि एक कॉलम्स हमेशा रो के अंदर ही होते हैं. ओके, सो आप रो बनाने के लिए उपयोग करोगे TR टैग. अब आप एक्सपेक्ट करें कि कितने रो है हमारे टेबल में, 3 रो है, तो सिंपली आप इस TR को 3 times लिखोगे. क्लियर? अब ये हमारा पहला रो यानी कि
ये वाला लाइन, ये हमारा दूसरा रो यानी कि ये वाला लाइन, और ये हमारा तीसरा रो यानी कि ये वाला लाइन। अब आपको पहले लाइन में बॉक्स को फिलअप करना है यानी कि कॉल्यूम फिलअप करना है। तो आप देखिए इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3 यानी कि नेम, क्लास और रोल। तो तीन जो बॉक्स है आप इसी को अपने शब्दों में कॉल्यूम कहते हो, क्लियर। तो ये तीन बॉक्स कौन से रो में है, पहले वाले रो में। हम करेंगे कोडिंग पहले वाले रो में, क्लियर। तो पहले वाले रो में तीन बॉक्स है, तो सिंपली आप पहला बॉक्स बनाओगे टीडी को टाइप करके, फिर दूसरा बॉक्स बनाओगे टीडी को टाइप करके, और फिर तीसरा बॉक्स बनाओगे टीडी को टाइप करके, क्लियर। उसी तरह से दूसरे बॉक्स में भी, उसी तरह से दूसरे रो में भी तीन कॉल्यूम्स है, इसलिए आप तीन बार टीडी को शुरू करके लॉक कर दोगे, क्लियर। ये हमने दूसरे बॉक्स को शुरू किया और बंद किया, फिर हमने तीसरे बॉक्स को शुरू किया, फिर हमने तीसरे बॉक्स को बंद किया, ओके। फिर इसी तरह से तीसरे रो में भी तीन डब्बे हैं, तो आप फर्स्ट कॉल्यूम को शुरू करें और फिर बंद करें, फिर दूसरे कॉल्यूम को शुरू करें और फिर बंद करें, फिर तीसरे कॉल्यूम को शुरू करें और फिर बंद करें। तो आप इसको ऐसे समझे, आप इसको इस तरह से समझे कि ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है और ये तीसरा बॉक्स है। तो एक रो के अंदर जितने भी बॉक्सेज होते हैं वो कहलाते हैं कॉल्यूम्स। तो पहले रो के अंदर तीन बॉक्सेस थे, इसलिए हमने तीन बार टीडी को शुरू करके बंद किया। दूसरे रो में भी तीन बॉक्सेस थे, इसलिए हमने तीन बार टीडी शुरू किया और बंद किया, क्लियर। अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ, ओके। सो हमने इसको पहले से ही टेबल के नाम से सेव करके रखा है, ओके। सो आपने जिस तरह का एक्सपेक्ट किया था उसी तरह का लेआउट आया। अब आप इस लेआउट के अंदर कुछ डेटा फिलअप करना चाहता, आप कुछ टेक्स्ट चाहते हो, पहले बॉक्स में नेम लिखा हुआ हो, दूसरे बॉक्स में क्लास लिखा हो और तीसरे बॉक्स में रोल लिखा हो। तो आप देखिए पहले बॉक्स की कोडिंग कौन सा है, ये, तो इसमें टाइप करें नेम। दूसरे बॉक्स की कोडिंग ये है, इसमें टाइप करें क्लास। और तीसरे बॉक्स की कोडिंग है, इसमें टाइप करें रोल, ओके। अब आप इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखें, यस। फिर सेकेंड रो के फर्स्ट बॉक्स में टाइप करें पहला नेम, फिर टाइप करें इसके क्लास और फिर टाइप करें इसके रोल। फिर थर्ड रो के फर्स्ट कॉल्यूम में टाइप करें कोई नेम, फिर टाइप करें इसके क्लास और फिर टाइप करें इसके रोल नंबर, ओके। अब आप इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखिए, यस। तो हमने जिस तरह का लेआउट बनाया था हमारा कोडिंग उसी तरह का प्री डिफॉल्ट क्लियर हो चुका है। अब आप चाहे तो इस टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो फॉन्ट टैग की मदद से, और भी कुछ इन्हेंसमेंट कर सकते हो जो स्पेशली टेक्स्ट के लिए टैग्स आते हो उनको यूज करके, क्लियर। तो मुझे करना है इस नेम को बीच में, यानी कि मैं चाहता हूँ इस डब्बे के बीच में इस नेम को दिखाऊं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जहाँ पे नेम टेक्स्ट रिटन है उसके पहले मैं सेंटर टैग को शुरू करके सेंटर को लॉक कर दूंगा, क्लियर। अब आप इसको सेव करके प्रीव्यू करें, यस। फिर उसी तरह से मैं चाहता हूँ क्लास को भी मैं सेंटर में दिखाऊँ, तो सिंपली मैं क्लास को सेंटर टैग से लॉक कर दूंगा, ओके। सो आप इसको रन करें, उसी तरह से आप रोल को सेंटर टैग से लॉक करें, सौरभ को सेंटर से लॉक करें, 10 को सेंटर से लॉक करें, 1, 2, 3 को सेंटर से लॉक करें, ओके। अब आप चाहते हो कि मैं नेम का कलर चेंज करूं, स्टाइल चेंज करूं, साइज में कुछ इन्हेंसमेंट करूं, तो इसके लिए आप, हमने आपको प्रीवियसली बताया था फॉन्ट टैग के बारे में। तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो नेम में कुछ इन्हेंसमेंट करना, तो सिंपली आपको यूज करना होगा फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग से आप करोगे मार्क किसको, जिसमें इन्हेंसमेंट करना चाहते हो उसको। अब फॉन्ट में सबसे पहला एट्रीब्यूट कलर को पास करके इस नेम के कलर को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड। साइज एट्रीब्यूट को पास करके इसके साइज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे 20। और फिर फेस एट्रीब्यूट के को पास करके आप इसमें इसके डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज क्लेबरी, ओके। अब आप इसको प्रीव्यू करें, यस।
तो अगर इस वीडियो में कुछ समझने में प्रॉब्लम्स हुई हो, प्रॉब्लम होने का बहुत सारा कारण है, आपने प्रीवियस वीडियो को ना देखा होगा या आपने इस वीडियो को केयरफुली वॉच नहीं किया होगा, तो काइंडली इस वीडियो को मैक्सिमम टाइम वॉच करें, ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।